अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद कुक बुक। ठंडी हवाओं और बरसते बादलों के साथ मौसम सर्मा का आगाज़ हो गया है। बारिश का मौसम हो तो मज़ेदार खाने खाने का दिल करता है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं मज़ेदार नाश्ते के साथ। बेसन की रोटी या मिसी रोटी बनाने के लिए हमने डो को तैयार कर लिया है। इस रेसिपी के लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपको रोटी बेलनी हो तो आपको आटे की डो को थोड़ा सा सख्त रखना पड़ेगा। खुश्क आटा लीजिए और बेसन की रोटी को बेल लें। हल्का सा घी या आयल लगाकर तवे पर इसको दरमियानी आंच पर पका लें। ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची और स्पाइसी किस्म का पराठा बनता है, और इसको आप सब्ज धनिए के पुदीने की चटनी के साथ खाएँ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर इस नाश्ते को देखकर आपके मुँह में पानी आ रहा है और आप ये बनाना चाह रहे हैं तो इसकी रेसिपी के लिए कमेंट बॉक्स में बताएँ, ताकि जल्दी अगली वीडियो में आपको इसकी रेसिपी बता सकूँ। हाँ जी, नाश्ता तो हमारा हो गया है रेडी। तो अभी भी बारिश चल रही है तो दिन और रात की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमने रेडी किया है एक मज़ेदार सा मेन्यू, यानी पकोड़े और मछली फ्राई। साथ में रिमझिम बरसात की ये बबल भी आप देख रहे होंगे, तो बड़ा ही मज़ेदार सा मौसम है, ठंडा ठंडा सा। आज के व्लॉग को बिल्कुल स्किप ना करें और बारिश के दिन के मेन्यू की अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है पालक के पकौड़े। पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पालक, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें और काट के रख लें। इस बंडल को खोलने के बाद आपको मिलेंगी मोटी ताज़ी डंडियाँ, इनको आपने काट के फेंक देना है और पीछे पत्तों को साफ़ करके रख देना है। साफ़ करने के बाद आपने इनको अच्छे से वाश करना है, क्योंकि पत्तों के अंदर बेशुमार रेत मट्टी शट्टी होगी, कचरा शचरा जो भी होगा वो पानी के साथ निथार लेंगे तो आपकी पालक बिल्कुल चमकदार नज़र आएगी। अच्छा जी, तो रेसिपी कार्ड के मुताबिक पालक के पकौड़ों में सबसे पहले जाएगा बेसन, और खुश्क मसालों में खुश्क धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन, साथ में दादर मिर्च भी डाल दें। पुदीने और सब्ज़ धनिया के साथ सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालें। दो मोटे ताज़े आलू और प्याज। इस मटेरियल के साथ आप जितने भी पकौड़े बनाएंगे तो आप 10 से 12 लोगों को पकौड़े सर्व कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए पकोड़ा भुजिया मिक्स भी डाला है इसमें बेसन के साथ, और साथ में खुश्क मसाला जार डाल लिए हैं। साथ में मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और पालक भी डाल के पानी के साथ अच्छी तरह इसको गून लिया है। पकोड़ों का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखें, क्योंकि पानी छोड़ती हैं पालक भी और प्याज भी, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो आपके पकौड़े जो है वो क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़ों का बैटर कितना हरा भरा लग रहा है। यहाँ पर टिप ये है कि आप इनको फ़ौरन पकोड़ों के इस अमेज़े को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आप प्याज को बाद में शामिल करें, ताकि पानी की वजह से बैटर पतला ना हो जाए। कढ़ाई में आयल डालें और अच्छी तरह गर्म कर लें। इसमें पकोड़ों को हाथ की मदद से डालते जाएं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से इनकी शेप वगैरह में क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। पकौड़ों को एक तरफ से हल्का ब्राउन होने के बाद पलटें, और अच्छे से ब्राउन होने के बाद इनको गर्म गर्म सब्ज़ चटनी के साथ सर्व करें। आज के मज़ेदार रेनी डे की रेसिपी पकोड़े, क्रिस्पी क्रंची पालक के पकोड़े रेडी हैं, तो इन्जॉय करें टुडे वीदर। अगली रेसिपी है मेरी फ़िश फ्राई, तो इसकी मैरिनेशन के लिए आपको मेरे चैनल की पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको बनाते हुए आज मेरा हाथ हो गया है बर्न, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी को अपलोड नहीं किया है। फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो मौसम सर्मा की पहली बारिश हो, बारिश के दिन को भरपूर एंजॉय करना हो, तो कुछ मीठा ठंडा खाने का भी दिल करता है। यस, आपको वीडियो देख के पता चल गया है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैंगो आइसक्रीम की। तो मैं आज अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।